हेलो एवरीवन, मुझे आज आप वेलकम कर एल मेडिकल लाइव यूट्यूब चैनल को। आज आम डिस्कशन करवा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 8 सिलेक्शन एमसीक्यू पर। जो मैंने भी ओट्रिपल सी कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम प्रिपेरेशन होती तो वीडियो को लास्ट पर्यटन देखते वीडियो जमार भी स्किप करूँ ना, कहीं वीडियोटा भेरी 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 इंपोर्टेंट जाए। जदि पर्यटन जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना आपने तो ए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ। देखो सब्सक्राइब करा द्वारा आप फास्ट नोटिफिकेशन पड़े, आप फास्ट वीडियो देखिपारे, फास्ट क्लास करेंगे और आम सब अपडेट आपने तो से मुझे सब्सक्राइब करना तो ए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ। ठीक अच्छे, जदि आपड़ी प्रिवियस क्लास गुड़ाक जब करना तो प्रिवियस क्लास सब जगह लिंक मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे प्लेलीस्ट हिसाब से, तो प्लेलीस्ट क्लिक करके आप जो सब्जेक्ट व्वज देखा चाहते से सब्जेक्ट व्वज मुझे तो लिंक उपर क्लिक करूँ। क्लिक कर आप सब क्लास करनी। ठीक अच्छे, चलते आज क्लासटा स्टार्ट करवा। प्रीवियस क्लास रे मुझे कही गोटे क्वेश्चन पचारी आई जी फास्ट राइट आंसर दे पारे मुझे ना नेक्स्ट क्लास अनाउंस करी। तो क्वेश्चन कौन थी फास्ट देखीदे, द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए क्लाइंट व्हिच एडमिटेड विथ पारानोइड सिजोफ्रेनिया। ठीक अच्छे, कौन कहला ना आमर गोटे पेसेंट जी एडमिट अच्छा विथ पारानोइड सिजोफ्रेनिया। ठीक अच्छे, पारानोइड सिजोफ्रेनिया आउ से आम क्लाइंट जन एडमिट हो तो आम प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन रहा है। ठीक अच्छे, आम प्रायोरिटी बेसिस रे नर्सिंग इंटरवेंशन आम कौन देवा। ठीक अच्छे, जी एक आम एडमिट अच्छा पारानोइड सिजोफ्रेनिया। ठीक अच्छे, बुझिपारे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा, ए ऑप्शन अच्छे एस्टैब्लिश ए स्ट्रक्चर डेली रूटीन, बी ऑप्शन अच्छे प्लान ए प्रोग्राम ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, डी सी ऑप्शन अच्छे प्रोवाइड पेशेंट एंड अदर विथ सेफ एनवायरनमेंट, डी ऑप्शन अच्छे डू मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक अच्छे, तो कोड हेबर राइट आंसर ए हेब ना बी हेब ना सी हेब ना डी हेब। ठीक अच्छे, यार राइट आंसर हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोवाइड पेशेंट एंड अदर विथ सेफ एनवायरनमेंट। ठीक अच्छे, आम फास्ट गोटे पेसेंट को प्रायोरीटी हिसाब से गोटे पारानोइड सिजोफ्रेनिया जी आम एडमिट अच्छा तो आम फास्ट कौन देवा ना प्रोवाइड कर गोटे सेफ एनवायरनमेंट पेशेंट आउ अन्न को आम कौन करा ना सेफ एनवायरनमेंट फास्ट आम प्रोवाइड करापर आम बाकी प्लानिंग करवा कि मिनिमेंटल स्टेटसपुर आमर आसो कि प्रायोरीटी हिसाब से आम फास्ट गोटे पेसेंट को आम सेफ एनवायरनमेंट देव। बुझिपारे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, सी इज द करेक्ट आंसर जोटा कि प्रोवाइड पेशेंट एंड अदर विथ सेफ एनवायरनमेंट। ठीक अच्छे, तो गोटे बहुत पिला राइट आंसर देते किसी पिला रॉन्ग आंसर भी देते तो फास्ट जी राइट आंसर देते ना हूँ प्रियंका दास। कंग्राचुलेसन प्रियंका दास, एमती आमको भल पाई देमती आमको सपोर्ट कर था आपण फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक अच्छे, चलो आज क्लासटा स्टार्ट करने आज क्लास में मुझे लास्ट गोटे क्वेश्चन पचारि आ फास्ट राइट आंसर जे देपारे मुझे ना आज भाई अनाउंस करी। ठीक अच्छे, तो समस्त ट्राए करूँ राइट आंसर देवाई। ठीक अच्छे, तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे, तो फास्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश बाय। ठीक अच्छे, आम जो फास्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। ठीक अच्छे, आम नर्सिंग स्कूल फास्ट केबे एस्टैब्लिश जो होता क्या द्वारा एस्टैब्लिश होता। ठीक अच्छे, क्या द्वारा होता तो ऑप्शन कौन अच्छी देखा, ए ऑप्शन अच्छी वर्जीनिया हेंडरसन, बी ऑप्शन अच्छी थियोडोर फ्लिंडर, सी ऑप्शन अच्छी फ्लोरेंस नेटेगल, डी ऑप्शन अच्छी इसाबेल हैम्पटन। ठीक अच्छे, कौटा रईट आंसर हम कहुत जो मैंने भी रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखाँ। देखा कितने जन पिला रईट आंसर देखते समस्त कमेंट करूँ, ए हम ना बी हम ना सी हम ना डी हम समस्ते जिते जन भी लाइव देखुं समस्त कमेंट करूँ। ठीक अच्छे, रईट आंसर हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, थियोडोर फ्लेडन। ठीक अच्छे, थियोडोर फ्लेडन आमर रईट आंसर जी आम फास्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग एस्टैब्लिश क्या द्वारा होता ना थियोडोर फ्लिंडर द्वारा आम फास्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग एस्टैब्लिश होता मन रखते ये हूँ भेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक अच्छे, बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हीट लॉस मेकानिज्म फ्रॉम द बॉडी। ठीक अच्छे, यही भितर ठीक अच्छे ये जो दे ऑप्शन यही भितर कौटा नुह देखो नॉट दे मन रखु मॉड हिट कौटा नुह आम हीट लॉस मेकानिज्म बॉडी रो। ठीक अच्छे, फ्रॉम बॉडी आम बॉडी रो हीट लॉस मेकानिज्म कौटा नुह ए भितर। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन कौन अच्छी देखिए, ऑप्शन अच्छी कंडक्शन, बी ऑप्शन अच्छी कन्वर्सन, सी ऑप्शन अच्छी एवापोरेशन, डी ऑप्शन अच्छी इराडिकेशन। ठीक अच्छे, कौटा हेबर राइट आंसर कहुत, ए हेबना बी हेबना सी हेबना डी हे समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करूँ। देखिए कैसे जन पिला राइट आंसर दे पार्टी जिते जन ए लाइव देखते समस्त कमेंट करूँ। ठीक अच्छे, राइट आंसर हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इराडिकेशन।
ठीक अच्छे इराडिकेशन आम जो रहा से हिट लॉस मेकानिजम आम बॉडी रो ठीक अच्छे आम बॉडी रो हिट लॉस मेकानिजम नुह ठीक अच्छे आम बॉडी रो हिट हिट लॉस मेकानिजम नुह कौटा ना इराडिकेसन बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कल्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इनक्लूड ठीक अच्छे आम जो रहा कम्युनिकेशन रो कल्चरल बैरियर कौटा ठीक अच्छे ये कौटा कल्चरल बैरियर ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कौन से देखा ऑप्शन अच्छी नॉलेज बी ऑप्शन अच्छी लैंग्वेज सी ऑप्शन अच्छी एंजाइटी डी ऑप्शन अच्छी फियर ठीक अच्छे। कौटा हम रईट आंसर कहुत तीन नंबर ए हेबना बी हेबना सी हेबना डी हे समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करूँ जिते जन भी लाइव देखुं समस्त कमेंट करूँ। ठीक अच्छे राइट आंसर हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लैंग्वेज ठीक अच्छे। आम जो लैंग्वेज रहा भाषा से कम्युनिकेशन रण ना कल्चरल बैरियर ठीक अच्छे। कल्चरल बैरियर हूँ कम्युनिकेशन कौन ना आमर लैंग्वेज बुझीपारे से आम ऑप्शन बी हे आप करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट ठीक अच्छे। एक्सेप्ट पचार देखते ये एक्सेप्ट कौ गोटे को छाड़ी बाकी आम सब रहा कौन ना एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस ठीक अच्छे। आम कम्युनिकेशन रब जाक एलिमेंट्स कौ गोटे को आम छाड़ी ठीक अच्छे। एक्सेप्ट पचार देखो तो कौटा हे रईट आंसर देखा तो ऑप्शन कौन फास्ट देखा ये ऑप्शन अच्छे सोर्स बी ऑप्शन अच्छी मेसेज सी ऑप्शन अच्छी चैनल डी ऑप्शन अच्छी फिजिकल बैरियर ठीक अच्छे। कौटा हम रईट आंसर कहुत जो भी रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ देखा कितने पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ देखा। ठीक अच्छे राइट आंसर हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फिजिकल बैरियर ठीक अच्छे। आम जो फिजिकल बैरियर रहा से नुह कह रहा कम्युनिकेशन प्रोसेस एलिमेंट्स नुह ठीक अच्छे। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस रहा तार एलिमेंट्स नुह कौन ना फिजिकल बैरियर बाकी जो आम रहा सोर्स हो कि मेसेज हो कि चैनल हो तीन जगह कौन ना आम कम्युनिकेशन रोटे गोटे प्रोसेस ठीक अच्छे। सोर्स भी गोटे प्रोसेस मेसेज भी गोटे प्रोसेस आ कौन रहा चैनल भी आम गोटे प्रोसेस कम्युनिकेशन र ठीक अच्छे। कम्युनिकेशन प्रोसेस हूँ तीन टा जगह किंतु फिजिकल बैरियर जो रहा है आम नुह ठीक अच्छे बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑल आर फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट ठीक अच्छे। देखते ये एक्सेप्ट पचार एक्सेप्ट यही भितर सब जगह कौन ना फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ठीक अच्छे। कम्युनिकेशन रो फिजिकल बैरियर सब जगह बाकी गोटे को छाड़ी ठीक अच्छे। कौ गोटे को छाड़ी बाकी सब आम रहा कम्युनिकेशन रो फिजिकल बैरियर ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ऑप्शन अच्छे नॉइज बी ऑप्शन अच्छे अटेंशन सी ऑप्शन अच्छे एनवायरनमेंट डी ऑप्शन अच्छे विजिबिलिटी ठीक अच्छे। कौटा हम रईट आंसर कहुत जो भी रईट आंसर जानते जल्दी जल्दी एवं कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ देखिए कितने जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ। ठीक अच्छे रईट आंसर हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अटेंशन ठीक अच्छे। आम जो अटेंशन रहा से नुह कहना कम्युनिकेशन फिजिकल बैरियर जो आम कम्युनिकेशन जो फिजिकल बैरियर रहा से अटेंशन नुह बाकी जो तीन टाइम देखा नॉइज हो कि एनवायरनमेंट हो कि विजिबिलिटी हो यहाँ हूँ आम कम्युनिकेशन रोटे गोटे फिजिकल बैरियर ठीक अच्छे। तीन टा जगह आम फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन रु अटेंशन आम नुह बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द पेसेंट राइट्स टू रिफ्यूज ट्रिटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक अच्छे। आम गोटे पेसेंट अच्छा जी कि राइट अच्छे रिफ्यूज करार कौन ट्रिटमेंट ठीक अच्छे। ट्रिटमेंट करार राइट्स अच्छे रिफ्यूज करने को तो ये कह एग्जाम्पल ठीक अच्छे। एग्जाम्पल ऑफ कहार यहाँ एग्जाम्पल गोटे पेसेंट आम ट्रिटमेंट को रिफ्यूज करने ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ऑप्शन अच्छे कॉमन लॉ बी ऑप्शन अच्छे रिलीजन क्लॉज सी ऑप्शन अच्छे स्टैट्यूटरी लॉ डी ऑप्शन अच्छे काउंसलिंग इंडियन काउंसलिंग एक्ट ठीक अच्छे। कौटा हम रईट आंसर कहुत जो भी रईट आंसर जानते जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ देखा कितने जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करूँ ए हेबना बी हेबना सी हेबना डी हे समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करूँ। ठीक अच्छे रईट आंसर हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर स्टैट्यूटरी लॉ स्टैट्यूटरी लॉ रोटे एग्जांपल जोटा आम गोटे पेसेंट रिफ्यूज कर राइट अच्छी ट्रिटमेंट पाई ठीक अच्छे। ट्रिटमेंट में आम गोटे पेसेंट राइट अच्छी रिफ्यूज करने बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इनक्रीज डीप ऑफ ब्रीथिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड ठीक अच्छे। आम जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट सहित जो गोटे इनक्रीज हो कौन ना डीप ब्रीथिंग
जदि इनक्रीज हो ठीक अच्छे डीप अफ ब्रिदिंग जब इनक्रीज हो तो कौन कह ठीक अच्छे तो अप्सन कौन अच्छे देखिए ए अप्सन अच्छे हाइपरपनिया बी अप्सन अच्छे ब्राडीपनिया सी अप्सन अच्छे अर्थोपनिया डी अप्सन अच्छे कुस्मल ब्रिदिंग ठीक अच्छे कौटा हम रईट आंसर कहुत जो मैंने भी रईट आंसर जानते जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखाँ देखा कितने जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखाँ जन भी लाइव देखुं ठीक अच्छे यार रईट आंसर हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हाइपरपनिया हाइपरपनिया जो आम रहा से कौशी कौन होता है ना आम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट सहित आम कौन होता है ना इनक्रीज होता है डीप ब्रीदिंगटा कौन कह जाए ना हाइपरपनिया हाइपरपनिया कह जाए बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इफ हाइएस्ट टेम्परेचर इज रेकर्डेड इन द मॉर्निंग एंड लोएस्ट टेम्परेचर इन द इवनिंग दिस काइंड ऑफ फीवर इज नोन एज ठीक अच्छे कौन कहला देखो फास्ट बुझानु क्वेश्चन टाक जदि आम हाएस्ट टेम्परेचर रोचे रेकर्ड हो केत ना मॉर्निंग टाइम रे ठीक अच्छे मॉर्निंग टाइम रे जब आम हाएस्ट टेम्परेचर जो रेकर्ड करुपर लोएस्ट टेम्परेचर जब आम इवनिंग टाइम देखु ठीक अच्छे इवनिंग टाइम जब लोएस्ट हो जाए टेम्परेचरटा मॉर्निंग टाइम जब हाएस्ट हो रेकर्ड करुचु आउ इवनिंग टाइम जब लोएस्ट हो तो से टाइप फीवर को दिस काइंड ऑफ फीवर इज नोन ना से टाइप फीवर को आम कौन कह ठीक अच्छे से टाइप फीवर को आम कौन कहुए ठीक अच्छे बुझिपारे तो ऑप्शन कौन अच्छी देखिए ऑप्शन अच्छे इनवर्स फीवर बी ऑप्शन अच्छे लाइसिस सी ऑप्शन अच्छे क्राइसिस डी ऑप्शन अच्छे रेमिटेंट फीवर ठीक अच्छे कौटा हम रईट आंसर कहुत जो मैंने भी रईट आंसर जानते तो जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखाँ देखिए कितने जन पिला रईट आंसर दे पार्टी ए ड्र हो ना बी हो ना सी हो ना डी हो समस्त कमेंट कर बक्स में कमेंट करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन देखते समस्त रईट आंसर दिं ठीक अच्छे राइट आंसर हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इनवर्स फीवर ठीक अच्छे जदि आम मॉर्निंग टाइम जब हाएस्ट रेकर्ड करुचु आज इवनिंग टाइम जब लोएस्ट टेम्परेचर जब आम रेकर्ड करुचु देखुचु से टाइप फीवर को आम कौन कहते हैं ना से टाइप टेम्परेचर को आम कौन कहते हैं ना इनवर्स फीवर ठीक अच्छे इनवर्स फीवर मन रखते हैं भेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनवर्स फीवर तक आम कह बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गोनियोमीटर इज यूज टू आसेस आम जो गोनियोमीटर अच्छी तो आम यूज करो कौन आसेस करने यूज कर गोनियोमीटर को ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ऑप्शन अच्छी ऑडिटरी फैकल्टी बी ऑप्शन अच्छी मसल स्ट्रेंथ सी सी ऑप्शन अच्छे रेंज ऑफ मसल ऑफ जॉइंट डी ऑप्शन अच्छे विजुअल एक्यूरेटी ठीक अच्छे कौटा हम रईट आंसर कहुत जो मैंने भी रईट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में भी कमेंट कर दिखाँ देखिए कितने जन पिला रईट आंसर दे पार्टी नाइन रो ना बी हो ना सी हो ना डी हम समस्त कमेंट बक्स में कमेंट करते ठीक अच्छे राइट आंसर हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट ठीक अच्छे आम जो आर ओ एम रहा रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट जो रहा से आम कौन कहना आसेस करने गोनियोमीटर आम यूज कर बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्रैकलिंग साउंडस बायलेटरली एट द बेस ऑफ लंग्स इज रेफर्ड एज जदि आम जब क्रैकलिंग साउंड जब शुणु बायलेटरली ठीक है बायलेटरल जब क्रैकलिंग शुणु कौटी ना बेस ऑफ लंग्स लंग्स बेस रे जब आम बायलेटरल जब क्रैकलिंग जो शुणु से आम कौन कह जाए ठीक अच्छे आम कौन कह ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ऑप्शन अच्छी रोंकी बी ऑप्शन अच्छे ह्विजिंग सी ऑप्शन अच्छे रेल्स डी ऑप्शन अच्छे प्यूरियल रॉ ठीक अच्छे कौटा हम रईट आंसर कहुत जो मैंने भी रईट आंसर जानते जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखाँ देखा कितने जन पिला रईट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करते जिते जन भी लाइव देखुं ठीक अच्छे राइट आंसर हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रेल्स रेल्स आम कही था जोटा कि आम जब क्रैकलिंग जन जो शुणा लेटरली कौटी ना लंग्स बेस रे ठीक अच्छे आम कौन कह ना रेल्स ठीक अच्छे रेल्स आम कही था ठीक अच्छे बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नॉर्मल पेटुलर रिफ्लेक्स रेस्पन्स इज ठीक अच्छे आम जो पेटुलर रिफ्लेक्स जो रेस्पन्स होता है नॉर्मल कौटा ठीक अच्छे कौ जगार कौन है आम जानवा जे पेटुलर रिफ्लेक्सटा रेस्पन्सटा आमर नॉर्मल अच्छी ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ऑप्शन अच्छे फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो एक्सटेंशन ऑफ आर्म एट एल्बो सी ऑप्शन अच्छी एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी डी ऑप्शन अच्छे फ्लेक्शन ऑफ लेग एट नी
ঠিক আছে, কোডা হবে রাইট আনসার কুহতু যে বি রাইট আনসার জাঁচান জলদি দেবে কমেন্ট বক্সের কমেন্ট করে দিও, দেখবা কত জন পিলা রাইট আনসার দিয়ে পারছেন সমস্ত কমেন্ট বক্সের কমেন্ট করতু, ইলেভেন রে হব না বি হব না সি হব না ডি হব, সমস্ত কমেন্ট করতু যেতে জন বি লাইভ দেখুঁচ। ঠিক আছে, রাইট আনসার হব অপশন সি ইজ দ করেক্ট আনসার, এক্সটেনশন অফ লেগ এট নি। ঠিক আছে, এক্সটেনশন হব অফ লেগ, লেগর এক্সটেনশন হব কোঠি না নি। ঠিক আছে, এট নি রে আমার এক্সটেনশন হব লেগর, বুঝিপারে? যদি পেটলার যদি নর্ম আমি দেখবা, যদি পেটলার রিফ্লেক্স যে রেসপন্স দেখবা নর্মাল নর্মাল যদি আমি দেখবা তো আমার এক্সটেনশন অফ লেগ হব এট নি রে, বুঝিপারে? নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, নেম অফ দ্য নার্ভ হুইচ ইজ মোর লাইকলি গেট ইনজুর্ড ইন প্রপর ডোর্সোগ্লুটিয়াল ইঞ্জেকশন। ঠিক আছে, কোণ কহিলে দেখুন, এটা হচ্ছে ভেরি 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 ইম্পর্টাট কোশ্চিন, মনে রাখুন। দেখুন কোণ কিন্তু না, যদি আমার কোন নার্ভটা আমার ইঞ্জুরি হয়েথাই, ঠিক আছে, কোন নার্ভটা আমার ইঞ্জুরি হয়েথাই কেতবে না, আমি যদি আমি গোটে পেসেন্টকে আমি কম করা না ইনপ্রপর, ঠিক আছে, ইনপ্রপর যদি ডোর্সোগ্লুটিয়াল ইঞ্জেকশন যদি দেবা, ঠিক আছে, ডোর্সোগ্লুটিয়াল ইঞ্জেকশন যদি ইনপ্রপরে যদি দেবা, ঠিক আছে, আইএম ইঞ্জেকশন যদি ডোর্সোগ্লুটিয়াল যদি ইনপ্রপরে যদি দেবা, মোস্ট লাইকলি, মোস্ট লাইকলি আমার কোন নার্ভটা আমার ইঞ্জুর হবার চান্সেস থাকে, বা কোন নার্ভটা আমার ইঞ্জুর হয়েথাই। ঠিক আছে, তো অপশন কোন আছে দেখিবা, অপশন আছে পেরোনিয়াল, বি অপশন আছে সাইটিক, সি অপশন আছে ব্রাকিয়াল, ডি অপশন আছে ফিমোরাল। ঠিক আছে, কোটা হবার রাইট আনসার কুহতু, সমস্ত রাইট আনসার দিও, দেখবা কত জন পিলা রাইট আনসার দিয়ে পারছেন সমস্ত কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করতু, দেখবা। ঠিক আছে, রাইট আনসার হব অপশন বি ইজ দ করেক্ট আনসার, সিয়াটিক, সিয়াটিক নার্ভ যে আমার রহিলা সেটা আমার ইঞ্জুরি হইতে কোথায় না, যদি আমি ইনপ্রপর যদি ডোর্সোগ্লুটিয়াল আইএম ইঞ্জেকশন যদি দেবা তাহলে আমার সিয়াটিক নার্ভ আমার ইঞ্জুর হবার বহুত চান্সেস থাকে বা ইঞ্জুর হইতা, বুঝিপারলে? নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা, হট অ্যাপ্লিকেশন কজ অল অফ দ্য ফলোইং এক্সেপ্ট, আমার এক্সেপ্ট পচারছি দেখুন, এক্সেপ্ট, ঠিক আছে, হট অ্যাপ্লিকেশন কজ, ঠিক আছে, আমার হট আপ্লিকেশনর কজ কোণ হয়েপরে কেউ গোটে কু ছাড়িকি, ঠিক আছে, কজ তার হট আপ্লিকেশন দেবার কোণ কারণ হয়েপরে তার কেউ গোটে কু ছাড়িকি। ঠিক আছে, তো অপশন কোণ আছে দেখবা, অপশন আছে পেরিফেরাল ভাসো ডাইলেসন, বি অপশন আছে ইনক্রিজ ক্যাপিলারি পরমেবিলিটি, সি অপশন আছে ইনক্রিজ অক্সিজেন কনজুপশন, ডি অপশন আছে ইনক্রিজ মোটিলিটি অফ লিকোসাইট। ঠিক আছে, কোটা হবার রাইট আনসার কুহতু, যে বি রাইট আনসার জাঁচান তো জলদি জলদি কমেন্ট বক্সের কমেন্ট করে দিও, দেখবা কত জন পিলা রাইট আনসার দিয়ে পারছেন সমস্ত কমেন্ট করতু, যেতে জন বি লাইভ দেখুঁচ, 13 রয়ে হব না বি হব না সি হব না ডি হব, সমস্ত কমেন্ট বক্সের কমেন্ট করতু। ঠিক আছে, রাইট আনসার হব অপশন ডি ইজ দ করেক্ট আনসার, ডিক্রিজ মোটিলিটি অফ লিকুইসাইড। ঠিক আছে, ডিক্রিজ মোটিলিটি অফ লিকুইসাইড, লিকুইসাইড মর্টিলিটিটা ডিক্রিজ হয়েনথাই, ঠিক আছে, ডিক্রিজ হয়েনথাই, এক্সারসাইজ পচারছি তো এইটা আমার হয়েনথাই, বাকি সব আমার হট আপ্লিকেশনর কজ কোণ কোণ না, পেরিফেরাল ভাসো ডাইলেসন হোক কিংবা ইনক্রিজ ক্যাপিলারি পরমেবিলিটি হোক কিংবা ইনক্রিজ অক্সিজেন কনজাম্পশন হোক, তিনটা যাক কোণ হচ্ছে না আমার হট আপ্লিকেশনর কজ, কিন্তু আমার কেউ গোটেকে ছাড়িকি না ডিক্রিজ মর্টিলিটি অফ লিকুইসাইড, লিকুইসাইডর যে আমার মর্টিলিটি ডিক্রিজ হয়েনথাই। ঠিক আছে, বুঝিপারলে? নেক্সট কোশ্চেন দেখবা, চুজিং অফ আপ্রোপ্রিয়েট ক্যাথেটর ডিপেন্ডস অন, ঠিক আছে, আমি যে ক্যাথেটর লগাই থাকু, ক্যাথেটর লগাই থাকু, আপ্রোপ্রিয়েট ক্যাথেটর আমি কেমিতি চুজ করবা বা কাহা উপরে আমার ডিপেন্ড করে, আমার কাহা উপরে ডিপেন্ড করে আমার চুজ করবার আপ্রোপ্রিয়েট ক্যাথেটর। ঠিক আছে, তো অপশন কোণ আছে দেখিবা, এই অপশন আছে নলেজ অফ এনি অ্যালার্জিক টু ল্যাটেক্স অর প্লাস্টিক, দ এক্সপেক্টেড ডিউরেশন অফ ক্যাথেটারাইজেশন, সি অপশন আছে দ সাইজ অফ পেসেন্ট ইউরেথ্রাল ক্যানাল, ডি অপশন আছে অল অফ দ্য এবভ। ঠিক আছে, এটা কোডা হবার রাইট আনসার কুহতু, এ হব না বি হব না সি হব না ডি হব, কোডা হবার রাইট আনসার কুহতু, যে বি রাইট আনসার জাঁচান জলদি জলদি কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করে দিও, দেখবা কত জন পিলা রাইট আনসার দিয়ে পারছেন 14 রয়ে হব না বি হব না সি হব না ডি হব, কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করতু। ঠিক আছে, রাইট আনসার হব অপশন ডি ইজ দ করেক্ট আনসার অল অফ দ এব, এই যে দেলা তিনটে যে দেলা তিনটে জায়গা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডস করে তাঁক উপরে, যেটাকে আমি আপ্রোপ্রিয়েট ক্ষেত্রে আমি চুজিং করিপারি। ঠিক আছে, কোণ কোণ না, নলেজ অফ এনি অ্যালার্জিক টু ল্যাটেক্স অর প্লাস্টিক অ্যালার্জি, ঠিক আছে, আমার যে ল্যাটেক্স কিংবা প্লাস্টিকর যদি
आलर्जी एनी जी आलर्जी थी सहीटा भी आम जाना दरकार ठीक अच्छे से आम जाना दरकार ना से आम कैसेटा चेंज करके दे ठीक अच्छे आउ कौन ना द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ कैथेरेसन आम केतेदिन केमर ड्यूरेशन रैथेरेसन रहा भी आम डिपेंड करे चूज करें ठीक अच्छे आउ कौन रहा साइज ऑफ पेशेंट यूरेथ्राल कैनाल ठीक अच्छे आम पेसेंट यूरेथ्राल कैनाल साइज के मोस्ट इंपोर्टेंट देखो आम जो यूरेथ्राल कैनाल के साइज रहा जाना भी दरकार ठीक अच्छे पेसेंट यूरेथ्राल कैनाल के साइज रही आम डिपेंड कमर अप्रोप्रिएट कैथेटर चूज करें सो तीन टा जो आम कौन ना अप्रोप्रिएट कैथेटर चूज करें आम रहा तो से आंसर होल अफ द एब बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द पेसेंट हेज भएडेड ओनली 50 to 100 ml अफ यूरीन आफ्टर रिमुवाल अफ फलिज कैथेटर ह्वाट इज द प्रायोरीटी नर्सिंग ठीक अच्छे आमर कौन कहला ना गोटे पेसेंट रू आम कैथेटर रिमूव करदेलु ठीक अच्छे कैथेटर लगी फलिज कैथेटर रिमूव करदेपर सी आम भएडेड कले ठीक अच्छे भएड कले 50 to 100 ml अफ यूरीन 50 to 100 ml भितर आम यूरीन भएड कले केत आफ्टर कैथेटर रिमूव करदेपर ठीक अच्छे फलिज कैथेटर रिमूव करदेपर आम 50 to 100 ml यूरीन से भएड कर तो आम प्रायोरीटी कौन रायोरीटी नर्सिंग आम कौन रही अच्छे तो ऑप्शन कौन देखा ये ऑप्शन अच्छे चेक फॉर ब्लड रेजिस्टेंस बी ऑप्शन अच्छे एनकरेज फ्लूइड इनटेक सी ऑप्शन अच्छे रिकैथेराइज द पेशेंट डी ऑप्शन अच्छे मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट ठीक अच्छे कौट है रईट आंसर कहुत जो मैंने भी रईट आंसर जानते जल्दी देवे ही कमेंट बक्स में कमेंट कर दूँ देखते आप समस्त चैट बक्स में कमेंट करते कि फास्ट से कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे मुझे ना नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करी ये हूँ आपने समस्त टास्क रहा समस्त ये रईट आंसर दिंतु ठीक अच्छे समस्त ये रईट आंसर दिखाँ फास्ट ये रईट आंसर देपारे मुझे ना नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करी ठीक अच्छे यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे आज ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे जदि आज क्लासटा आपंक जब भल लगी था तो लाइक सेयार करने को जमा भी भूलो नहीं आज क्लासटा आपमी लगेगा तो कमेंट करके निश्चय जनातु आपर्तंत जब आप सब्सक्राइब करना तो प्लीज समस्ते सब्सक्राइब कर दिखाँ बाकी आपको नेक्स्ट क्लासटा फास्ट आपड़ करें बुझीपारे थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।